थाना नूरपुर के तहत पड़ती पंचायत धनेटी भूरिया में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान कुलदीप कुमार उर्फ दीपा निवासी धनेटी भूरिया के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पति यह कहकर घर से बाहर गए थे कि वह शाम 6 बजे घर आ जाएंगे, परंतु जब शाम घर नहीं लौटे तो उसने उनकी तलाश की और उन्हें खड्डा किनारे बनी धूसी पर खून से लथपथ पाया। जब वो आवाज़ लगाने पर नहीं उठे तो उन्हें हिलाकर देखा तो वह मृत थे। उनके सिर पर चोट के निशान थे, वह चेहरा खून से लथपथ था, वह जमीन पर भी खून पड़ा था। उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ मेरे पति मृत पड़े थे, वहाँ दिन में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे जिन्होंने शराब पी रखी थी। उन्होंने अपने पति की हत्या का भी आरोप लगाया। डीएसपी नूरपुर डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने बताया कि पुलिस को पिछले कल सूचना मिली थी कि खड्डा किनारे एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो उक्त व्यक्ति मृत पाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वो घटनास्थल पर पुलिस और FSL के विशेषज्ञों ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आरोपी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे। धनेटी गाला पंचायत की बाढ़ पंच हूँ और यहाँ पर ये जो जिनकी मृत्यु हुई है ये मेरे चाचा ससुर जी लगते हैं। शाम के 6 बजे हमें पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हमारे पास खड्ड पड़ती है कि उसके पार हमारे चाचा जी वहाँ पर पड़े हैं। जब हम वहाँ पर मेरे पति जी गए ना तो उन्होंने मतलब के साथ में चाचा था या कि लड़के भी गए, उन्होंने देखा कि वो नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। उन्होंने हाथ वगैरह लगाया तो उनकी नब्जी वगैरह नहीं चल रही थी, तो फिर इन्होंने देखा कि ये तो नहीं है। फिर गाँव के और भी लोगों को बुलाया जो आस पास घर, तो कुछ भी नहीं था, हमारे चाचा जी तो ख़त्म हो चुके थे। मेरी प्रशासन से यही विनती है कि यह गरीब परिवार है और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अमीरों की तो हर कोई सुनता है मगर गरीबों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ये ही इनके मजदूरी मेहनत मजदूरी करने वाले हैं जो चले गए हैं। 3 बेटियाँ हैं, 2 की शादी होगी है, 1 की अभी शादी है। तो मेरी प्रशासन से यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें विनती मैं ये करती हूँ कि इनको आप न्याय करवाएं, न्याय होना चाहिए। हाँ जी बताइए, क्या है सर? मेरा नाम नीश कुमार है। जब हमें बताया गया था, किसने बताया था कि आपके चाचा जी उधर पड़े हैं, हम उधर देखने गए थे तो उधर किसने चाचा को बहुत बुरी तरीके से मारा था पत्थरों के साथ, तो चाचा जी के मर्डर कर दिया था। फिर उधर पुलिस भी आई, पुलिस ने अपनी छानबीन की, फ़ोटो वगैरह ली, जिस किसी ने मारा वो वहाँ से भाग गया था। किसी पर शक है आपको? शक तो किसी पर नहीं है। हाँ जी बोलो। वहाँ जुआ खेल रहे थे, दो कोई 15-20 बंदे थे, तो वो देख रहा था और हंस रहा था। कोई हार उस टाइम कोई हार गया, वो हंसने लग गया, गाली देने लग पिया, उन्होंने उस टाइम फिर भाग गए मार के। ये पता नहीं किसी ने मारा किसी ने नहीं मारा। जो दिन में लड़ाई हुई उसके बारे में आपको पता है? दिन में लड़ाई हुई मुझको नहीं है पता उसका। अच्छा। कल दिनांक 27/10/2019 को दिवाली की शाम तकरीबन 7 बजे हमें थाने में सूचना मिली है कि धनेटी भूरिया गांव जो कि तहसील नूरपुर डिस्ट्रिक्ट जिला कांगड़ा में पड़ता है, जो कि PS पुलिस स्टेशन नूरपुर के अंदर आता है, वहां पे खड्ड के साथ एक धूसी जो ऊंची जगह होती है वहां पे एक आदमी जो कि घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जो कि मौके पे पुलिस की टीम उसके बाद मौके पे गई तो देखा कि वो आदमी मर चुका है और PMFSI ये लग रहा था कि उसके सर पे चोट का निशान है इसकी वजह से वो मर चुका है। उसकी वाइफ जो डिसीज्ड है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, उनका नाम है श्री कुलदीप कुमार, गांव व डाकाना धनेटी भूरिया का रहने वाला है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी के बयान पर हमने
अंडर सेक्शन 302 मर्डर केस में जो कि एफआईआर थाना नूरपुर में दर्ज कर दी है। और पुलिस इस बारे में जांच कर रही है जी? हाँ जी, हमने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। मौके पे एफएसएल की टीम भी आज बुलाई गई है, बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है।